हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। बच्चों, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, देन मीटर ब्रिज। और हमेशा की बातें हम वही यूज करेंगे, नीट और आईआईटी के क्वेश्चन करेंगे और बोर्ड पेपर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनके साथ में डील करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा मेरे साथ में। चलिए काम करना चालू करते हैं। सबसे पहले चालू करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ये एक सिंपल सा पॉइंट है बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत ज्यादा सिंपल है। इसके अंदर क्या किया जाता है, तो ध्यान में रखिए कि यहां पर हमारे पास में 4 रेजिस्टेंस होते हैं। इसमें इट इज अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस और एक ब्रिज की तरीके से होते हैं। इन 4 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन इस तरीके से होता है कि इनमें से 3 रेजिस्टेंस हमें पता होते हैं और फोर्थ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दोस 3 रेजिस्टेंसेस। कब और कैसे, वो ध्यान में रखने लायक बात है। तो व्हीटस्टोन वॉज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ये बात तो ध्यान में रखिए, इसलिए इसे व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। अगर कोई रेक्टेंगल आपके पास में हो तो उस रेक्टेंगल के लिए, उस क्वाड्रिलेटरल के लिए, क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए, उस क्वाड्रिलेटरल की चारों जो साइड्स हैं उस पर रेजिस्टेंस बना दीजिए। ये R1 मान लेता हूँ, इसको R2 मान लेते हैं, इधर R3 मान लिया और इसे R4 मान लेते हैं। मोस्टली बुक्स में इसे PQRS भी लिखा हुआ होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता है और एक बैटरी इस तरीके से कनेक्ट होती है, ठीक है। ये एक कॉम्बिनेशन है इसका, इसको पॉइंट में नाम देता हूं ABCD। ठीक, अब वो क्या बोल रहा है कि आपके पास में कितने रेजिस्टेंस है, 4 रेजिस्टेंस है। अगर हमें 3 रेजिस्टेंस पता हो तो हम अननोन रेजिस्टेंस फोर्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 3 पता हो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 3 पता हो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 3 पता हो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी अननोन हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि यही अननोन हो या फिर यही अननोन हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमें बस ये पता होना चाहिए 3 नोन होने चाहिए तो फोर्थ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कंडीशन अप्लाइड है क्या, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इट शुड बी बैलेंस्ड। ये कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड कंडीशन में होना चाहिए। बैलेंस्ड कंडीशन क्या है वो और समझिए। बैलेंस्ड कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जब बी पॉइंट का पोटेंशियल डी पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर हो जाता है। इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अगर ऐसा है, इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल है, तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो क्या इसमें करंट फ्लो होगा, आंसर है नहीं। करंट फ्लो नहीं होगा तो ये जो गैल्वेनोमीटर एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम करंट का क्या करते हैं, डायरेक्शन मेजर करते हैं। हमें पता चल जाता है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रही है या फिर नहीं हो रही है। गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन आता है, सर्किट में करंट फ्लो होगी। अगर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 है, नल डिफ्लेक्शन है, तो हम बोलते हैं सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। तो हम बोलते हैं कि जब ये बी और डी का पोटेंशियल सेम होता है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, मतलब इससे पास होने वाली करंट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका जो डिफ्लेक्शन है वो कैसा डिफ्लेक्शन हो जाएगा, नल डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये बैलेंसिंग सिचुएशन है बच्चों, ये बात ध्यान में रखना। वी कैन ओनली कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड एंड फॉर बीइंग ब्रिज बैलेंस्ड द पोटेंशियल ऑफ बी शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ डी। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो आईजी करंट जो है, जो गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास होनी है, उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, ठीक है। और कैसे देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि जब हम इस सिनेरियो को फॉलो करते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर R1 डिवाइडेड बाय R2, R1 में R2 का डिवाइड दो, वो किसके बराबर आ जाए, R3 डिवाइडेड बाय R4 के बराबर आ जाए, तो भी ये ब्रिज क्या होता है, बैलेंस होता है, ठीक है। ये भी बैलेंसिंग कंडीशन है, ये भी बैलेंसिंग कंडीशन है, और IG शुड बी 0, ये भी बैलेंसिंग कंडीशन है। ये सारी बैलेंसिंग कंडीशन है, कोई भी एक फुलफिल होगी तो ऑटोमेटिकली ये दोनों फुलफिल हो ही जाएंगी, ये ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए ये बात और ध्यान में रखना, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो इस क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये भी है, ऐसा इन दोनों के बीच में डायगोनल कह सकते थे ना। ये डायगोनल बस हमने यहां से निकाल दिया, बाहर से निकाल दिया, ठीक। तो इस मीटर ब्रिज में एक डायगोनल पे तो गैल्वेनोमीटर होता है, दूसरे डायगोनल में बैटरी कनेक्ट होती है।
ये बैलेंसिंग कंडीशन जिसे हम बोल रहे हैं, क्या ये बैलेंसिंग कंडीशन चेंज हो सकती है अगर हम इन दोनों की सिचुएशन को चेंज कर दें? मतलब अगर मैं यहाँ पर बैटरी लगा दूँ, गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा दूँ, तो क्या ये बैलेंसिंग कंडीशन चेंज होगी? आंसर है नहीं। ये बात ध्यान रखना, बैलेंसिंग कंडीशन विल रिमेन सेम इफ जी एंड बैटरी ई आर इंटरचेंज्ड। अगर इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया जाए ना, तो भी बैलेंसिंग कंडीशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस चीज को हमें दिमाग में रखना है। ओके, ये क्लियर है? डन है। चलिए, अभी आया कहाँ से, ये एक छोटा सा डेरिवेशन का पार्ट है। आप चाहें तो इसे KVL से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो एक सिंपल मेथड में बता रहा हूँ उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सिंपल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, करंट को एक बार के लिए डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो हमने बोला कि यहाँ से अगर टोटल करंट आई जा रही है, तो ये टोटल करंट यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी, इसमें I1 चली जाएगी और इसमें क्या जाएगी, I2 जाएगी। ठीक, अब B से करंट यहाँ पर डिवाइड हो सकती थी, लेकिन IG की वैल्यू तो जीरो है, तो इसका मतलब ये I1 करंट पास होकर के यहाँ पर चली गई है। ठीक है, और I2 करंट पास होकर के यहाँ चली गई। ये बात ध्यान रखना, बैलेंस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, अनबैलेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। अनबैलेंस में क्या होता वो और बता देता हूँ। अनबैलेंस में इस I1 का कुछ पार्ट इसमें चला जाता IG, तो ये कितना होता, I1 माइनस IG होता, और ये I2 प्लस IG होता। क्यों? क्योंकि IG यहां से, I2 यहां से, तो इसमें कितनी जाते, IG प्लस I2 या I2 प्लस IG जाता। KCL लगा लो भैया, पता चल जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ? बैलेंसिंग कंडीशन में IG को जीरो कर दो, इतना ही तो काम करना है। चलिए मैं आपको तरीका बताता हूं। हमने बोला कि ये केस ऐसा है जब बी पॉइंट का पोटेंशियल किसके बराबर हो, डी पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर हो। अगर मैं कुछ ऐसा करूं, दोनों तरफ से कुछ ऐसा लिखूं, इसको भी VA से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो इसको भी हम VA से सब्ट्रैक्ट कर दें, बताओ भाई कोई फर्क पड़ेगा क्या? दोनों वाली वैल्यूज को हमने किससे सब्ट्रैक्ट कर दिया, VA A पॉइंट के पोटेंशियल से सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो VA माइनस VB I1 इंटू R1 लिख सकता हूं क्या? ये लिखा जा सकता है, तो हमने इसको लिखा I1 R1 इज इक्वल्स टू, देखो VA माइनस VD I2 इंटू R2 लिख सकता हूं क्या? तो हमने वही लिखा, इज इक्वल्स टू व्हाट, I2 इंटू R2। डन हुआ, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वापस से सिनेरियो यूज कीजिए, वापस से हम बोल रहे हैं VB इज इक्वल्स टू VD है। इस बार हम C पॉइंट के पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब VB में से अगर VC को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो इधर VD में से भी किसको सब्ट्रैक्ट किया जाए, VC को सब्ट्रैक्ट किया जाए। देखो VB माइनस VC क्या होगा, I1 माइनस IG इंटू R3, लेकिन IG की वैल्यू तो जीरो है, तो I1 किससे मल्टीप्लाई होगा, R3 से, तो ये होगा I1 R3 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, VD माइनस VC। I2 किससे मल्टीप्लाई होगा, R4 से, IG तो जीरो है ना, I2 किससे मल्टीप्लाई होगा, R4 से मल्टीप्लाई होगा। डन हुआ, दैट इज इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन टू का डिवाइड लगा दीजिए, तो I1 से I1 कैंसिल, क्या मिला, R1 डिवाइडेड बाय R3 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R4। ठीक, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R4। बताओ भाई कहीं कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चाहे आप R1 डिवाइडेड बाय R3 करो, तो ऐसा कर रहे हो तो फिर ऐसे ही जाओ, मतलब R1 डिवाइडेड बाय R3, तो इसका मतलब है R2 डिवाइडेड बाय R4 के बराबर होगा। और अगर आप ऐसा नीचे की ओर आ रहे हो, तो इस तरफ से भी ऐसा ही नीचे की ओर आओ, R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल्स टू R3 डिवाइडेड बाय R4। ये सारी क्या है, बैलेंसिंग सिचुएशन है। बैलेंसिंग सिचुएशन में IG की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज क्यों करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। कौन सी कंडीशन में, बैलेंसिंग कंडीशन में। बैलेंसिंग कंडीशन क्या थी, जब IG की वैल्यू जीरो थी। बात समझ में आई, क्लियर है? चलिए डन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। डन हुआ, ऑलराइट। अब इसके बाद में इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके ऊपर मोस्टली CBSE में या फिर अदर स्टेट बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है,
कि अगर जी और ई की वैल्यू को, बैटरी की लोकेशन को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए, इफ समझिएगा, इफ पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी इज इंटरचेंज्ड, देन द बैलेंसिंग कंडीशन विल बी रिमेन सेम। ये बात ध्यान में रखना, बैलेंसिंग कंडीशन में कहीं कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसका मतलब R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल्स टू R3 डिवाइडेड बाय R4 ही होगा। या तो आप इसे ऐसा लिख लें या फिर आप इसे ऐसा लिख लें, R1 डिवाइडेड बाय R3 इज इक्वल्स टू R2 डिवाइडेड बाय R4। बात तो एक ही, बैलेंसिंग सिचुएशन में कहीं कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो कि नीट में आया हुआ है उसका तरीका बताता हूं। कोई जरूरी नहीं है हमेशा ये बैलेंस्ड हो, कोई जरूरी नहीं है बैलेंस्ड हो, मतलब R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R4 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिर क्या करें? तब ये पूछता है कि करंट या तो ऐसे पास होगी या ऐसे पास होगी। तो सिंपल सा है बच्चों, अगर ये बात ध्यान में रखना, बी पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा हो किससे, डी पॉइंट के पोटेंशियल से। बी पॉइंट का अगर पोटेंशियल ज्यादा हो डी पॉइंट से, तो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, करंट हायर टू लोअर फ्लो होगी। तो ये जो आईजी करंट है ना, डायरेक्शन ऑफ आईजी होगा B2D। आईजी कैसे पास होगी? B2D पास होगी। और अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, डी पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा हो किससे, बी पॉइंट से, उस केस में ये जो आईजी का डायरेक्शन है वो उल्टा हो जाएगा, डी से कहां की ओर हो जाएगा, बी की ओर हो जाए। अगर ये ज्यादा है ये कम है तो फिर करंट हायर टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अब भैया सवाल में ये रेजिस्टेंस की वैल्यू ही दी हुई है, बैटरी की वैल्यू भी चलो दी हुई है, तो फिर आपको बी और डी का पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर सिनेरियो देखना पड़ेगा। ऐसा दिक्कत हो सकता है, दिक्कत मतलब कैलकुलेट हो जाएगा, कैलकुलेट होने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम केवीएल लगाएंगे एक बार में निकाल लेंगे। लेकिन इसका एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं, अगर इन दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीपल क्रॉस वाले का है ना, इफ द प्रोडक्ट ऑफ R1 R4 इस डायग्राम के अकॉर्डिंग है ना, R1 R4 इज ग्रेटर देन R3 R2 या R2 R3 R2 R3 R3 R2। ठीक है, तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ज्यादा है तो बच्चों करंट पास होगी D2B। ये हमेशा ध्यान रखना, ये सबसे सिंपल तरीका है, इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता, करंट हमेशा D2B पास होगी। ठीक है, इसे कई बुक्स के अंदर इसे लिखा जाता है, मैं यहां पे लिख दूं क्या, इसको लिखा जाता है P, इसे लिखा जाता है Q, इसे लिखा जाता है R और इसे लिखा जाता है S। तो बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ PS, प्रोडक्ट ऑफ PS, P एंड S इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट ऑफ QR, प्रोडक्ट ऑफ QR, उस केस में IG का जो डायरेक्शन है वो D2B होगा। ठीक है, तो इसका उल्टा कर लो, अगर ये ज्यादा है ये कम है तो भैया फिर डायरेक्शन B2D हो जाएगी, मतलब अगर ये दोनों ज्यादा हो जाएंगे ये कम हो जाएगा तो फिर डायरेक्शन B2D हो जाएगी। ठीक है, ऐसा दिमाग में रखना, दिमाग में रहेगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। चलिए क्लियर हुआ, चलिए स्क्रीनशॉट लो, सबसे ज्यादा अच्छी चीज बताई है मैंने, उतार लीजिए इस चीज को, डन। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चले बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में मीटर ब्रिज। देखिए बहुत सिंपल सा है, व्हीटस्टोन ब्रिज हमने अभी डिस्कस किया है, वो एक प्रिंसिपल की तरह बिहेव करेगा, किसके लिए बच्चों, मीटर ब्रिज के लिए।
कुल मिलाकर के हम व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर रहे थे, तो फाइनली मीटर ब्रिज के थ्रू भी हम अननोन रेजिस्टेंस को ही फाइंड आउट करेंगे। ये एक बेसिक ट्रैक है जिसको हमें फॉलो करना है। अब यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस कौन सा है, तो कई बार बुक्स में यहाँ अननोन रेजिस्टेंस लगाया जाता है, कई बार यहाँ लगाया जाता है। मैं एक स्टैंडर्ड पैटर्न उठा करके काम कर रहा हूँ, तो हम बोल रहे हैं कि अननोन रेजिस्टेंस जो है वो ये एस है, और इस अननोन रेजिस्टेंस एस को व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर काम करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे। और व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या था, बैलेंसिंग कंडीशन के अंदर गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, नल डिफ्लेक्शन होगा। उस केस के अंदर हम बोलेंगे कि R1 डिवाइडेड बाय R2 मस्ट बी इक्वल्स टू द R3 डिवाइडेड बाय R4, यही कॉन्सेप्ट चलना चाहिए। चलिए काम करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले समझिए होता क्या है इसमें। इसमें आपको दिखेगा कि ये जो A से लेकर B तक एक वायर है बच्चों, ये वायर जो है मैग्नीन का हो सकता है या कॉन्स्टेंटीन का हो सकता है। दो हम बोलते हैं कि मटेरियल यूज किए जाते हैं, मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटीन, दोनों में से कोई सा भी एक यूज कर लिया जाता है। ये 1 मीटर लंबा वायर है, इसकी लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर, ध्यान में रखिएगा। तो नीचे स्केल लगा हुआ है और स्केल के ऊपर लिखा हुआ है 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, फाइनली बी पॉइंट पे लिखा हुआ होगा 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ होगा स्केल के अंदर। तो इस वायर के जस्ट नीचे की तरफ क्या है, स्केल है, ध्यान में रखना। फिर ये जो पूरा का पूरा वायर है वो एक आप देखेंगे कि वुडन ब्लॉक के ऊपर है, वो वुडन ब्लॉक भी ऑन एन अप्रोक्स 1 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा होगा। उस वुडन ब्लॉक पे आपको ये दिखाई देगा कि दो एल जो है ना, इंग्लिश लेटर है एल, वैसे दो एल स्ट्रिप्स होंगी, और ये एल टाइप जो स्ट्रिप्स हैं ये नॉर्मली बनी हुई होती है कॉपर की। हालांकि आजकल के मीटर ब्रिज के अंदर तो एल्यूमिनियम का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। अगर एक आपको बिल्कुल अच्छा मीटर ब्रिज यूज़ करना है तो ये जो एल टाइप की आपको स्ट्रिप्स दिखाई दे रही हैं, ये किसकी बनी हुई होनी चाहिए, कॉपर की बनी हुई होनी चाहिए। वायर किसका बना हुआ होना चाहिए, मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटेन का बना होना चाहिए। फिर इन दोनों एल टाइप स्ट्रिप्स के बीच में एक और स्ट्रेट स्ट्रिप लगी हुई है, ये भी कॉपर की ही बनी हुई है। इस स्ट्रेट स्ट्रिप के कारण यहां पर आपको दो ब्लैंक स्पॉट दिखाई देंगे, है ना। फर्स्ट ब्लैंक स्पॉट या फर्स्ट ब्लैंक गैप के अंदर हम कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स को, ठीक है। फर्स्ट ब्लैंक गैप के बीच में किसको कनेक्ट करना है, रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करना है। रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस नोन होगा, है ना, इसमें नोब्स लगी हुई होंगी। तो अगर आप 1 ओम का नोब बाहर निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि रेजिस्टेंस बॉक्स का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम हो गया। अगर आपने 1 ओम और 2 ओम दो नोब्स बाहर निकाल ली तो टोटल रेजिस्टेंस देखिए 1+2 बैठेगा, तो 3 ओम रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया है। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस हमेशा ही कैलकुलेटेड होता है, हमें पहले से ही पता होता है, नोन रेजिस्टेंस हम बोलते हैं इसको। ये एस एक वायर है, वायर किसी का भी बना हुआ हो सकता है, ठीक है। ये वायर जो है इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग इसका रेजिस्टेंस होगा। अगर वायर आप बड़ा यूज कर लेते हैं तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, वायर छोटा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन ये अननोन वायर है तो इसका रेजिस्टेंस भी अननोन है, तो हम कह सकते हैं कि ये अननोन रेजिस्टेंस है जिसे हमें कैलकुलेट करना है, और ये नोन रेजिस्टेंस होगा, नोन रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर ये जो स्ट्रेट स्ट्रिप है इसके मिड पॉइंट में हमारे पास में एक और पॉइंट है जिसे हमें कनेक्ट करना है गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर का सेकंड पार्ट कनेक्ट होगा किससे बच्चों, जॉकी से, ठीक है। ये भी एक तरीके की ही होती है जॉकी भी। फिर इस सर्किट में करंट फ्लो हो सके इसलिए हमने इस AB वायर को कनेक्ट कर दिया, किसके साथ में, बैटरी E और की K के साथ में हमने इसे कनेक्ट कर दिया। इससे क्या होगा, सर्किट में ऐसा करंट फ्लो होगी, I करंट, ये करंट यहाँ पे डिवाइड भी होगी, ऊपर वाला पाथ तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ये करंट का पाथ है, बात समझ में आ रही है। अब होता क्या है इस प्रैक्टिकल में, हम इस S को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझने वाली बात है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस जॉकी J को उठाया, आपको एक ब्लैक कलर का नोब दिखाई देगा, है ना, आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पता चलेगा जॉकी J होता क्या है। तो आपने इस जॉकी J को उठाया और आपने A के पास में इसे क्या किया, टच किया। जैसे ही आप टच करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा गैल्वेनोमीटर में आपको एक तरफ से डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। गैल्वेनोमीटर में बिल्कुल मिड में 0 होता है, फिर इस तरफ 30 होगा और इस तरफ भी 30 होगा,
ठीक है। तो नॉर्मली तो जब ये कनेक्टेड नहीं है तो फिर जीरो डिफ्लेक्शन है, लेकिन जैसे ही आप इस जो कि जे को ए के पास में कनेक्ट करेंगे शायद पॉसिबल है डिफ्लेक्शन आपको इस तरफ या फिर इस तरफ दिखाई दे। लेट सपोज करो डिफ्लेक्शन इस तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आपको इसी जो कि जे को उठाना है और कहां पर बी के पास में टच करना है, ठीक है। तो आपने जैसे ही बी के पास में टच किया, ये जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर में इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। पहले अगर इस तरफ था तो अब इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। अगर डायरेक्शन चेंज हो चुका है तो हमने बोला कि हमारा जो सर्किट है ना वो बिल्कुल सही कनेक्टेड है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गलती से डिफ्लेक्शन एक ही तरफ आ रहा है, इन केस अगर गलती से डिफ्लेक्शन एक ही तरफ आ रहा है, मतलब जॉकी जे को ए पर टच किया डिफ्लेक्शन इस तरफ, फिर जॉकी जे को बी पर टच किया वापस से डिफ्लेक्शन इस तरफ, तो फिर क्या गलती हो सकती है, क्या दिक्कत है? तो हमने बोला ये जो हमने कनेक्शन किए है ना, ये यहां पर ये जो हमने स्क्रू लगाए थे इन्हें टाइटन नहीं किया है, इन्हें तरीके से कसा नहीं है, हमने इसे टाइट नहीं किया है। तो जितने भी स्क्रू आपको यहां पर दिखाई दे उन सभी को आपको क्या करना है, टाइट करना है, ठीक है। इन सभी कनेक्शंस को हमें क्या करना है, सॉलिड करना है, टाइट कर देना है। जितने भी कनेक्शन होंगे उनको जैसे ही आप टाइट करेंगे आपका डिफ्लेक्शन अपोजिट देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर डिफ्लेक्शन आ रहा है गैल्वेनोमीटर में इसका मतलब है करंट फ्लो हो रही है, हो रही है। चलिए हमें क्या चाहिए, हमें नल डिफ्लेक्शन चाहिए, मतलब इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए ऐसा। अरे व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल यही तो है, ठीक। तो हमने क्या किया, इस जॉकी जे को अब उठाया और इस ए बी वायर में बहुत सारे पॉइंट हो गए उनके ऊपर टच करते जा रहे हैं, पहले यहां टच कर रहे हैं, फिर 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 यहां टच कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट पर हम टच करेंगे। और हमें वो पॉइंट देखना है जहां पर टच करते ही जॉकी जे को जैसे ही हम टच करेंगे इस गैल्वेनोमीटर के अंदर का जो डिफ्लेक्शन है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नल डिफ्लेक्शन आ जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा, इस ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा उस केस में, और बैलेंसिंग व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा, ठीक है। तो हमने इस जॉकी जे को उठाया और एक ऐसा पॉइंट देखा जहां पर टच करते ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना हो गया, जीरो हो गया। जैसे ही जीरो हो गया तो हमने बोला कि मीटर ब्रिज बैलेंस हो चुका है, क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। उस पर्टिकुलर केस में हमने क्या करना है, हमने ये जो ए से लेकर जे तक का जो लेंथ है इसे हम बैलेंसिंग लेंथ बोलेंगे और इसे स्मॉल एल के थ्रू डिनोट करेंगे। तो ये हमने बैलेंसिंग लेंथ को कैलकुलेट किया, लिखा हुआ होगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नीचे स्केल दिया हुआ होगा, स्केल के ऊपर रीडिंग आपको देखनी है और वो लिख लेनी है। फिर अगर L आ गया तो ऑटोमेटिकली ये जो रिमेनिंग लेंथ है वो भी आ जाएगी, और वो कितनी है, 100 माइनस L हो जाएगी। क्या टोटल वायर कितना सेंटीमीटर का था, 100 सेंटीमीटर का था, ठीक है। तो अगर ये L है तो फिर ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस L हो जाएगा। इस तरीके से ये सर्किट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। पता चल रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस बॉक्स, इसका रेजिस्टेंस हम R मानेंगे, अननोन रेजिस्टेंस S है, फिर एक L वायर का रेजिस्टेंस होगा, एक 100 माइनस L वायर का रेजिस्टेंस होगा। इस तरीके से चार रेजिस्टेंस हमारे पास में आ गए, ठीक है। क्या करना है, R1 डिवाइडेड बाय R2 इजिकल्स टू R3 डिवाइडेड बाय R4 का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए वो देखिए, हमें मीटर ब्रिज में ये पता होना चाहिए कि इसका प्रिंसिपल क्या है, यही तो है बात। इसका प्रिंसिपल क्या है, इट वर्क्स ऑन, इट इज बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन लिख देता हूं, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये काम कर रहा है भैया। एंड वी विल कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग इट, ठीक है। अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, किस तरीके से कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला देख लीजिए कि इसका फॉर्मूला कैसा बनता है, और ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आपके प्रैक्टिकल का पार्ट भी है बच्चों, ये बात और ध्यान में रखिएगा। तो और हाँ, ये वायर कौन सा है, मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटेन का होगा, ये स्ट्रिप्स किसकी बनी हुई है, एल टाइप कॉपर की बनी हुई है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब क्या काम करना है वो समझ लेते हैं। तो हमने बोला कि रेजिस्टेंस बॉक्स का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स वो कितना है, R है, और हमारे लिए वो किसकी तरह बिहेव करेगा, R1 की तरह बिहेव करेगा।
फिर अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस वो कितना है, एस है, और वो हमारे लिए किसकी तरह, आर थ्री के लिए, आपको याद आ रहा है ना, आर वन आर टू आर थ्री आर फोर ऐसा ही लिखते थे, तो आर थ्री की तरह बिहेव करेगा। फिर ये जो वायर है, इस वायर का भी खुद का क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ये पूरा वायर 100 सेंटीमीटर का है, तो हमने मान लिया कि एक सेंटीमीटर का, यूनिट सेंटीमीटर का अगर रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, इफ इफ रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट सेंटीमीटर बी स्मॉल आर, देन रेजिस्टेंस ऑफ ए जे दैट इज एल लेंथ वायर कितना होगा, एल इंटू आर लिख लू क्या, अरे एक सेंटीमीटर का अगर आर रेजिस्टेंस है तो एल सेंटीमीटर का कितना होगा, एल आर होगा, और ये किसकी तरह, आर वन आर टू, आर टू की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस ऑफ जे बी मतलब 100 माइनस एल लेंथ का क्या होगा, 100 माइनस एल इंटू आर होगा, और ये रेजिस्टेंस कौन सा होगा, आर फोर होगा क्या भाई, आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, ठीक है। फिर हमने लिखा कौन सी कंडीशन में, फॉर नल डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, इसका मतलब क्या है, बैलेंसिंग कंडीशन, क्या था भाई, आर वन डिवाइडेड बाय आर टू शुड बी इक्वल्स टू आर थ्री डिवाइडेड बाय आर फोर, यही होना चाहिए। अगर ऐसा होना चाहिए तो फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आर वन की वैल्यू कितनी है, आर है, आर टू की वैल्यू कितनी है, आर टू देखिए एल आर है, इज इक्वल्स टू आर थ्री, आर थ्री की वैल्यू कितनी है, आर थ्री कहां लिखा है मैंने, देखिए आर थ्री इज एस, और आर फोर क्या है, 100 माइनस एल इंटू आर, अरे यही है ना देवताओं, आर से आर कैंसिल, हमें क्या कैलकुलेट करना है, एस, तो एस का फॉर्मूला क्या बन गया, एस इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 100 माइनस एल डिवाइडेड बाय एल इंटू कैपिटल आर, ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा, इस चीज को हमेशा दिमाग में रखेंगे। इससे क्या फायदा हो रहा है, हमें बैलेंसिंग लेंथ पता होनी चाहिए जो कि हम प्रैक्टिकल से पता लगा ही लेंगे, हमें नोन रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए तो हम आसानी से एस कैलकुलेट कर सकते हैं। तरीका यही है, ये डिवाइडेड बाय ये इज इक्वल्स टू ये डिवाइडेड बाय ये, ध्यान में रखिएगा यही कंडीशन है, ये लगाते ही काम हो जाएगा आपका, मेरे हिसाब से क्लियर है। अब बच्चों मीटर ब्रिज में ये आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, अननोन रेजिस्टेंस हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान में रख लीजिएगा, अगर बैटरी को गैल्वेनोमीटर की जगह, गैल्वेनोमीटर को अगर बैटरी की जगह कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर बैलेंसिंग कंडीशन में कहीं कोई चेंजेस नहीं आता, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा कि भाई बैलेंसिंग लेंथ विल नॉट चेंज इफ ई एंड जी आर इंटरचेंज, द प्लेस ऑफ ई एंड जी इज इंटरचेंज, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अब इसके बाद में हमें और क्या दिमाग में रखना है भैया, तो कोई भी प्रैक्टिकल है जब हम इसे आइडियल कंडीशन में देखते तो ये बिल्कुल सही दिखता है, ठीक है, लेकिन जब हम इसे प्रैक्टिकली करते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ एरर होते हैं। ऐसे मीटर ब्रिज में भी कुछ ना कुछ एरर पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे मीटर ब्रिज का जब ये प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो सर्किट में ज़्यादा देर तक करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए, पहला प्रिकॉशन है बच्चों, सर्किट में ज़्यादा देर तक करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए, पहला। दूसरा प्रिकॉशन क्या है, ये जो आपके पास में जॉकी जे है, बच्चे प्रैक्टिकल करते टाइम ऐसा रगड़ करके चलाते हैं ना, रब करते हैं इस जॉकी जे को, इस वायर के ऊपर, हमें कभी भी रब नहीं करना चाहिए, है ना, वी आर द जॉकी शुड बी जेंटली प्लेस्ड ऑन ए बी वायर,
ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए ना, इट शुड बी जेंटली प्लेस्ड, इसे ऐसे रब नहीं करना चाहिए। रब क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये जो वायर आप यूज कर रहे हैं मीटर ब्रिज का, ये एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वायर है, इसका जो डायामीटर है ना हर जगह सेम है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हर जगह सेम है, लेकिन जैसे ही आप इसे रब करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर देंगे। क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करते ही आपने इसका रेजिस्टेंस चेंज कर दिया भैया, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, हमें इसे क्या करना चाहिए, इसे सिर्फ जेंटली प्लेस करना चाहिए, ये चीज थोड़ा ध्यान में रखेंगे, दिमाग में रहेगा। चलिए, तो ये दो मेन चीजें। फिर जब भी आप प्रैक्टिकल करें तो इस प्रैक्टिकल को करते टाइम ध्यान में रखें कि आपकी जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में आनी चाहिए। 40 से 60 के बीच में अगर एल की वैल्यू आती है, इसका मतलब आपने प्रैक्टिकल बहुत अच्छा किया है, इससे जो आंसर निकलने वाला है अननोन रेजिस्टेंस का वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है, आपकी बैलेंसिंग लेंथ जो है वो 40 से कम भी मिलती है और 60 से ज़्यादा भी मिलती है, मतलब मिड में नहीं मिलती, मिड से इस तरफ और इस तरफ मिलती है। अगर मिड में मिल रही है तो मिड के अंदर मीटर ब्रिज सेंसिटिव होता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर बैलेंसिंग लेंथ मिड में मिल रही है, मतलब 40 मिल रही है, 45 मिल रही है, 55 मिल रही है, बहुत बढ़िया बैलेंसिंग लेंथ है, एल की वैल्यू बहुत बढ़िया है, इससे प्रैक्टिकल में जो आपने रीडिंग ली है वो बहुत सही होगी। लेकिन अगर एल की वैल्यू कम आ रही है, मतलब 20 मान लीजिए, 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, 25, 30 सेंटीमीटर मान लीजिए, इस केस में बैलेंसिंग लेंथ कम है या फिर बहुत ज़्यादा हो गई, 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर आ गई, इस केस में हम बोलते हैं कि मीटर ब्रिज का ये जो ए और बी एंडिंग पॉइंट है ना, यहाँ पे इसकी सेंसिटिविटी जो है वो खराब है भैया, यहाँ पर ये उतना अच्छे से बिहेव नहीं करता है। तो मतलब अगर आपकी बैलेंसिंग लेंथ कम है तो इसका मतलब ये जो आप अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो इसकी वैल्यू एक्यूरेट नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत है। तो यहाँ पर एंड करेक्शन करना पड़ता है, यहाँ पर भी थोड़ी लेंथ जाता है, क्यों, क्योंकि पेच कसते तो कुछ वायर ऐसा लपेटते भी, तो यहाँ पर भी कुछ वायर आप लपेटोगे, यहाँ पे भी कुछ वायर आप लपेटोगे, तो यहाँ पर भी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, यहाँ पर भी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है। एग्जैक्टली हम मान करके चलते हैं कि यहाँ पे अल्फा लेंथ आपने लपेट रखी है और यहाँ पे कितनी लेंथ लपेट रखी है, बीटा वायर का लेंथ लपेट रखा है, लपेटना तो समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए, सोचा जाए, तो ये एल है क्या, एग्जैक्टली एल है एल प्लस अल्फा, समझ रहे हो, ठीक। और 100 माइनस एल क्या है, तो इसमें बीटा और ऐड कर दो, 100 माइनस एल एग्जैक्टली है ये। अगर सही तरीके से देखा जाता तो मैं मेरे फॉर्मूला के अंदर 100 माइनस एल की जगह लिखूंगा 100 माइनस एल प्लस बीटा, और एल की जगह क्या लिखूंगा, एल प्लस अल्फा लिखूंगा। ये सही पैटर्न है, ये सही पैटर्न है, ठीक है। लेकिन ऐसा हम करते नहीं है, अल्फा और बीटा आपको दिया हुआ होता नहीं है ट्वेल्थ पर्पस में। ट्वेल्थ पर्पस अगर आप बोर्ड पढ़ रहे हैं तो अल्फा और बीटा दिया हुआ नहीं होगा, आपको इसी से काम करना है, ठीक है। नीट जब करेंगे या फिर आईआईटी के क्वेश्चन जब करेंगे तो हमें ये डिस्कस करना ही पड़ेगा, क्लियर करें। चलिए, तो ये पता चल गया, प्रिकॉशन क्या क्या रखने हैं, ज़्यादा देर तक सर्किट में करंट फ्लो नहीं होने चाहिए, ठीक है, और सारे कनेक्शन टाइटन होने चाहिए, जोकी को जेंटली प्लेस करना चाहिए, बैलेंसिंग लेंथ शुड बी इन बिटवीन 40 to 60 सेंटीमीटर, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, क्लियर हो गया, डन है। चलिए, अब हम बात करते हैं नीट पर्पस से कि भैया नीट पर्पस में क्या करना पड़ेगा, एक बार के लिए इसे उतारे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इस चीज का, जल्दी से लीजिए, हुआ, इसको एक बार के लिए मैं हटा देता हूँ, ये अल्फा बीटा हटा देता हूँ, नेक्स्ट केस में इसको डिस्कस करते हैं, हुआ ये, डन है। चलिए, अब हम काम करते हैं भैया एंड करेक्शन के ऊपर, किसके ऊपर बच्चों, एंड करेक्शन के ऊपर हम काम करते हैं कि भैया एंड करेक्शन है क्या, ये अल्फा और बीटा क्या। तो हमने बोला कि जब भी ये प्रैक्टिकल किया जाता है तो कुछ वायर यहाँ पे भी लपेटा जाता है, कुछ वायर यहाँ पर भी लपेटा जाता है, माना कि यहाँ पे जितना वायर लपेटा हुआ है वो अल्फा है और यहाँ पर जितना वायर लपेटा हुआ है वो बीटा है। तो हमारा जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है अननोन रेजिस्टेंस का, एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ अननोन रेजिस्टेंस या फिर कंडीशन टू कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, आर डिवाइडेड बाय एस, R डिवाइडेड बाय S क्या होना चाहिए, R पहले लिख रहे हो ना, तो फिर ये हो जाएगा L प्लस अल्फा, ठीक है, R के साथ में R वाला ही पहले लिखोगे, ठीक है, और S के साथ में S वाला लिखो, 100 माइनस L प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होना चाहिए, इस फॉर्मूला से ही आप S की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, क्लियर हुआ। हाँ, कई बार ये भी होता है कि भैया ये अल्फा और बीटा नहीं दिया हुआ है, अगर अल्फा और बीटा दिया हुआ है तो एस कैलकुलेट हो जाएगा,
क्लियर है। कई बार ये होता है कि अल्फा और बीटा नहीं दिया हुआ तो यही पूछ लेता है ना। आईआईटी और नीट में ये भी पॉसिबल है कि अल्फा और बीटा दिया हुआ नहीं लेकिन यही पूछ लिया, तो फिर वो कैसे कैलकुलेट किया जाना चाहिए, ये एंड करेक्शन करवा रहा हूं मैं, एंड करेक्शन। ठीक है, पता चल गया यही फॉर्मूला यूज होगा। अभी तक आईआईटी में जो क्वेश्चन पूछा गया वो इसी फॉर्मूले से पूछा गया है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अगर अल्फा और बीटा कैलकुलेट कर जाना पड़ता तो फिर हम कैसे काम करते, उसके लिए भी हमारे पास में क्या है, फॉर्मूलाज है। देखिए वो फॉर्मूलाज कैसे देखे जाएंगे, मतलब उनके लिए काम कैसे किया जाएगा, उनको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो हमने बोला सबसे पहले आर और एस अपनी जगह पर है, उस केस के अंदर ये लेंथ एल वन है। ठीक है, तो हमने बोला फर्स्ट केस में अगर मैं लिखूं R डिवाइडेड बाय S तो ये लिखा जाएगा ऐसा का ऐसा फॉर्मूला, लेकिन इसे L1 लिख रहा हूं, L1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 100 माइनस L1 प्लस बीटा, डन हूं। चलिए अब आप क्या काम करेंगे, अब आप काम करेंगे इंटरचेंज कर दो, इस S को उठा करके यहां पटको और R को उठा करके यहां पटको, है ना, एस को उठा करके इधर और आर को उठा करके इधर। इफ द पोजिशन If the position of R and S is interchanged, तो सोचिए एक बार के लिए, दिमाग लगाइए, ये S की तरह बिहेव करे और ये R की तरह बिहेव करे, उस केस में बैलेंसिंग लेंथ L की जगह L2 मिल रही है, और बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, बैलेंसिंग लेंथ इज L2। तो क्या होगा, करो भाई S डिवाइडेड बाय R करो, इस बार S डिवाइडेड बाय R, S पहले लिखा R बाद में लिखा, तो S के जस्ट नीचे लेंथ क्या होगी, L2 है क्या, और L2 कैसे लिखा जाएगा, L2 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 100 माइनस L और प्लस उस तरफ क्या ऐड हो रहा है, बीटा। क्लियर हुआ ये, ठीक, R डिवाइडेड बाय S ये रहा, S डिवाइडेड बाय R ये रहा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, आपको एक इक्वेशन मिलेगी, उसे सॉल्व कीजिए, आपको अल्फा और बीटा भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इन्हें क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप काम कर लीजिए, आपको अल्फा और बीटा इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करते हुए मिलेगा, है ना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि काम कैसे किया जाएगा। हालांकि इस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आएगा, यही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा टिपिकल नहीं करेगा वो, लेकिन अगर आता है तो हमें पता होना चाहिए कि भैया काम ऐसे होता है प्रैक्टिकल में। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आप चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं अल्फा और बीटा की, अल्फा की आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, अननोन रेजिस्टेंस आपका आर है, इसे बैलेंसिंग लेंथ L2 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस नोन रेजिस्टेंस आप सॉरी अननोन, ये मैंने इसे R और इसे S लिखना है, ठीक है, इसे S को इससे मल्टीप्लाई कीजिए और R को L1 से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइडेड बाय R माइनस S कर दीजिएगा। ठीक है, R1 माइनस R2 कर दीजिएगा। ऐसे ही बीटा के लिए हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, R L1 माइनस S L2 डिवाइडेड बाय R माइनस S और ये यहाँ पर 100 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, इस तरीके से होगा, डन है। चलिए तो ये उतार लीजिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चंस की तरफ डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन बच्चों, इन द सर्किट शोन If a conducting wire is connected between A and B, देखो आपको सर्किट दिखाई दे रहा है, ये सर्किट है और बोल रहा है कि सर्किट के अंदर A और B पॉइंट है, इन A और B पॉइंट के बीच में एक कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर दिया जाए, एक चालक तार को कनेक्ट कर दिया जाए। The current in this wire will be, इस वायर में जो करंट होगी वो कैसी होगी, पहली बात तो क्या वो करंट फ्लो होगी, अगर फ्लो होगी तो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगी, या फिर वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये पूछ रहा है। ऑप्शन आपको सामने दिए हुए हैं, आईआईटी 2006 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये एक तरीके का व्हीटस्टोन ब्रिज बन सकता था बैलेंस कंडीशन में, क्या यह बैलेंसिंग कंडीशन है। देखिए 4 में 1 का डिवाइड दीजिए 4 आता है, 4 में 3 का डिवाइड दीजिए 4 बाई 3, ये तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये अनबैलेंस्ड है।
अनबैलेंस्ड है, तो ए और बी के बीच में अगर वायर को कनेक्ट कर दिया जाता तो उसमें करंट फ्लो होती, सीधी सी बात, करंट फ्लो होती ही होती। कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगी वो देखिए। तो वो बोल रहा है बी टू ए फ्लो हो रही है या ए टू बी बी फ्लो हो रही है या जीरो करंट है, जीरो तो नहीं है, ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया। इट विल बी डिसाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ वी, चलो वो देख लेते हैं। तो एक सिंपल सा तरीका जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि अगर इन दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, मतलब 4 × 3 कर दीजिए, ठीक, वो इन दोनों रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट से ज्यादा है, 4 × 1 करो, ये तो 4 आ रहा है और ये 12 आ रहा है, सीधी सी बात है ये ज्यादा है, क्लियर है ना। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट इससे ज्यादा है तो करंट हमेशा बी टू ए फ्लो होगी, मतलब नीचे से ऊपर की ओर फ्लो होगी, ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों से, इनके प्रोडक्ट से ज्यादा आता है तो करंट हमेशा कैसा फ्लो होगी, बी टू ए फ्लो होगी, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन इज बी टू ए, ए इज करेक्ट वन, ए करेक्ट है बच्चों। जल्दी से इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे पास भी कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं इसे पी, इसे क्यू, इसे आर और इसे मैं एस बोल देता हूं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ पी आर, इफ द प्रोडक्ट ऑफ पी आर इज ग्रेटर देन द प्रोडक्ट ऑफ क्यू एस, देन द करंट विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए, ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है ना। चलिए जल्दी से इसे उतार लीजिए, हो गया, डन हुआ, चलो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, नीट 2014 का क्वेश्चन है, जल्दी से रीड आउट कर लीजिए, अच्छा सवाल है ये। देखो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, द रेजिस्टेंस इन टू आर्म्स ऑफ मीटर ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है, एक आर्म में 5 ओम का है और एक में 8 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है respectively, when resistance R is shunted with an equal value, इस R को अगर shunt कर दिया जाए, shunt मतलब इसके parallel में एक और resistance को जोड़ दिया जाए, parallel में एक और resistance connect कर दिया जाए, है ना, shunted with an equal resistance मतलब R को R के साथ में ही shunt कर दिया जाए, एक और resistance R और लगा देंगे हम यहाँ पर। The new balance point is at 1.6L. नया जो balancing point है वो 1.6L1 पर हो जाएगा। शुरुआत में देखो L1 है, जब 5 और R इस तरीके से connected हैं, तो शुरुआत में balancing length कितनी है, L1 है, लेकिन अगर इस R को shunt कर दिया जाता है, ऐसा एक और resistance लगा दिया जाता, तो ये balancing length कितनी हो जाती, 1.6L1 हो जाती, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। द रेजिस्टेंस आर इज, आपको इस आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले हमने बोला, आप सभी को पता है मीटर ब्रिज में क्या होता है, 5/L1 इज इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाय 100 - L1, या फिर 5/R इज इक्वल्स टू L1 डिवाइडेड बाय 100 - L, इस तरीके का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, ठीक। तो हमने सिचुएशन फर्स्ट को यूज किया, सिचुएशन फर्स्ट क्या बोल रहा है, 5/R, तो ऐसे ही चलिए, L1/100 - L1 पहला कॉन्सेप्ट ये, ठीक है। सेकंड केस समझिए, सेकंड केस में वो बोल रहा है कि शंट कर दो इसको, ऐसा पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दीजिए R वैल्यू का, तो अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, पैरेलल में है तो R/2 हो जाएगा, क्या पैरेलल में रेजिस्टेंस आ गया तो R/2 हो जाता है, हाफ हो गया भाई, सीधी सी बात है रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई, अरे पैरेलल में सॉल्व कर सकते हो ना, कर लीजिएगा, R/2 ही आएगा। चलिए क्या होगा अब इस केस में, इस केस में होगा भाई 5/R/2 इज इक्वल्स टू, अब देखो बैलेंसिंग लेंथ इस केस में कितनी है, 1.6L1 है, तो मैं इसे लिखूंगा 1.6L1 डिवाइडेड बाय 100 - 1.6L1, ऐसा ही लिखा जाएगा, उतनी ही लेंथ को आप सब्ट्रैक्ट करोगे भैया। चलिए तो इस चीज को ध्यान में रखें, 2 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो गया, 2 × 5/R इज इक्वल्स टू 1.6L1/100 - 1.6L1, अब एक मैथमेटिक्स और कुछ नहीं है, 5/R की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं, तो हमने यही काम करना है, तो हमने लिखा 2 ऐसा का ऐसा, 5/R की वैल्यू है L1/100 - L1 इक्वल्स टू, देखिए क्या चल रहा है, 1.6L1/100 - 1.6L1, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन कीजिए, L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से अगर मैं इसको हटाऊं तो ये 0.8 हो जाएगा, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये तो ऐसा का ऐसा आएगा, 100 - 1.6L1, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल्स टू
0.8 को मल्टीप्लाई करो इससे, तो 0.8 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 80 आएगा, 0.8 L1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.8 L1 डन हुआ। इस वाली चीज को ये माइनस का इस तरफ लेकर के जाओ प्लस में आ जाएगा और 80 को इस तरफ लेकर के आओ तो ये हो जाएगा 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 1.6 L1 माइनस 0.8 L1 यही हुआ। ये तो आ गया 20 और ये आ जाएगा 0.8 L1। सो द वैल्यू ऑफ L1 इज 20 डिवाइडेड बाय 0.8। पॉइंट को हटा दीजिए, पॉइंट को हटाते ही ऊपर किससे मल्टीप्लाई किया 10 से, तो 200 में डिवाइड दीजिए 8 का। ओके 100 बाय 4 दैट इज 25। L1 की वैल्यू कितनी आएगी 25 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? अगर L1 आ गया बताओ R की वैल्यू कैलकुलेट होगी नहीं होगी? वैल्यू पुट कर सकता हूँ क्या? चलिए तो हमने वैल्यू पुट करी, 5 डिवाइडेड बाय R इज इक्वल्स टू L1 दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 100 माइनस L1, मतलब 100 में से 25 सब्ट्रैक्ट करो 75 आएगा। ये यहाँ पर 3 आया क्या? मल्टीप्लाई करो 15 आ जाएगा। R इज इक्वल्स टू 15 ओम, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। गौर कीजिए कौन सा है? बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पता चला बहुत सिंपल क्वेश्चन था, नीट 2014 का क्वेश्चन है। जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या बोल रहा है। इन द सर्किट शोन इन, देखिए ये सर्किट है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। सेल्स ए एंड बी हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, इनका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। ए और बी सेल है, इन दोनों का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। द वैल्यू ऑफ वी ए इज 12 वोल्ट, मतलब ये यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। एंड आर वन इज 500, आर इज 100 ओम, ये 100 ओम का है। द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब करंट जीरो है। अगर ये करंट जीरो है यहां से तो बोल रहा है द वैल्यू ऑफ वीबी इज, इस वीबी की वैल्यू क्या होगी। अब सोचिए अगर किसी सर्किट के किसी क्लोज लूप में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है बच्चों, आप सर्किट को गौर करके देखोगे तो इस आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होना चाहिए? इस वीबी बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होना चाहिए, इसके टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए। अगर पैरेलल में इक्वल पोटेंशियल आ जाता है तो फिर करंट फ्लो नहीं होती, यही तो है। तो कुल मिलाकर के जब वो बात कर रहा है वीबी बैटरी के वोल्टेज की, तो हम सीधी सी बात बोलेंगे कि अगर हमें आर ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो हम बोलेंगे कि भैया वही पोटेंशियल डिफरेंस किसके वैल्यू के बराबर है? वीबी के टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर है। ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ यही काम करना है। किस तरीके से काम करेंगे? तो हम बोल रहे हैं कि सर्किट में तो करंट फ्लो हो ही नहीं थी, मतलब इस वाला तो करंट का कोई लॉजिक है ही नहीं, तो करंट सिर्फ इसी के कारण फ्लो हो रही है, इसी के कारण। तो लेट सपोज कीजिए जो करंट फ्लो हो रही थी वो आई है, आई एम्पियर की है। तो यहां से गौर कीजिए 12 वोल्ट की बैटरी है, तो हमने एक तरफ लिख दिया 12 वोल्ट लिख दिया। ठीक है, अब इज इक्वल्स टू क्या चलेगा भैया? आप लूप की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं तो पॉजिटिव में लिखते हुए जाइए, आई इंटू 500 दैट इज 500 आई, फिर आई इंटू 100 सेम डायरेक्शन में तो चल रहे हैं, प्लस के साथ में चलेंगे, आई इंटू 100 आएगा दैट इज 100 आई, दैट विल बी 600 आई इज इक्वल्स टू व्हाट? 12। सो द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 600 एम्पियर। पता चला? हमें क्या देखना है? इस आर ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमने लिखा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर रजिस्टर कितना होगा? आई आर होगा। आई की वैल्यू कितनी हम लिख लेंगे और आर की वैल्यू भी हम लिख लेंगे। आई की वैल्यू कितनी है? 12 डिवाइडेड बाय 600 है और आर की वैल्यू 100 है, ये कैंसिल हुआ, 2 आ रहा है क्या? डिवाइड दो, 2 आ रहा है मेरे हिसाब से। तो 2 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर ओम एंड दैट इज द पोटेंशियल ऑफ वीबी बैटरी, यही वीबी बैटरी की वैल्यू है, ध्यान रखिएगा 2 वोल्ट आंसर है। पता चला? सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सिंपल ही है। क्या बोल रहा है? द रेजिस्टेंस ऑफ ईच आर्म ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज इज 10 ओम। चलिए व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं, एक व्हीटस्टोन ब्रिज जल्दी से अपने दिमाग में ड्रॉ कर लो, कैसे भी कर लो,
ये सारे के सारे रेजिस्टेंस कितने ओम के हैं? 10 ओम के हैं। अगर ये सारे रेजिस्टेंस 10 ओम के हैं बच्चों, तो इसका मतलब ये बैलेंसिंग व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। ऑलराइट, अब क्या बोल रहा है? अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर कहां कनेक्ट होता है? यहां कनेक्ट होता है क्या? ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक। और इसके सीरीज में एक और रेजिस्टेंस लगा दिया गया है, कितने ओम का? 10 ओम का, ठीक है। तो फिर क्या बोल रहा है? देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द बैटरी विल बी, बैटरी कहां लगी हुई होगी? यहां पे लगी हुई होगी। इसके अक्रॉस आपको टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। बताओ भाई क्या होगा? पहली बात तो ये समझिए कि यहां पर 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाने से क्या इसका बैलेंसिंग मोड खराब हो जाता है क्या? अनबैलेंस हो जाता है क्या? नहीं भाई, 10 डिवाइडेड बाय 10 1 आ रहा है, 10 डिवाइडेड बाय 10 1 ही आ रहा है। इसका मतलब बैलेंसिंग कंडीशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्रिज पहले भी बैलेंस था और अभी भी बैलेंस्ड ही है। इस 10 ओम के रेजिस्टेंस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो हटाओ इसको तो भैया, ये तो कोई मतलब का ही नहीं है। चलिए, ऊपर 10 और 10 20 ओम, नीचे भी 20 ओम, 20 ओम ऊपर नीचे भी 20 ओम पैरेलल में है, तो 20 पैरेलल विद 20, 20 पैरेलल विद 20 कितना आएगा? अरे 10 ओम आएगा, नहीं आएगा? सॉल्व करके देख लो भाई, 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 40 कर लीजिएगा, 10 ओम आएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या आएगा? 10 ओम। दैट इज द टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस गिवन सर्किट और व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। क्लियर हुआ? डन है। सिंपल सी चीज थी बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ घुमाने के लिए दिया हुआ था। चलिए जल्दी से उतारिए, ये 2001 का क्वेश्चन है, ये नीट 2001 का क्वेश्चन है। चलिए उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। द थ्री रेजिस्टेंस पी क्यू आर एंड एस, सॉरी पी क्यू आर ही दिया हुआ है, ईच ऑफ 2 ओम एंड एन अननोन रेजिस्टेंस एस फॉर्म द फोर आर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। देखिए चार रेजिस्टेंस होते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में, मैं जल्दी से बना देता हूं व्हीटस्टोन ब्रिज को, कुछ ऐसा बनेगा ये। है ना, पी क्यू आर एस कुछ इसी तरीके का माने, बीच में गैल्वेनोमीटर आएगा, ये बात ध्यान रखें। पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 2 ओम है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है और ये भी 2 ओम का है, ठीक। और बोल रहा है कि एक अननोन रेजिस्टेंस है एस, ये एस पता नहीं है, अननोन है, ठीक। वैसे भी 2 आएगा, सीधी सी बात है, आंसर एस की वैल्यू 2 आनी चाहिए। व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एस, ये लो भैया अब दिक्कत है भैया, 2 नहीं आएगा। इस एस के साथ में एक पैरेलल में 6 ओम का रेजिस्टेंस क्या करना पड़ रहा है? कनेक्ट करना पड़ रहा है। द ब्रिज गेट बैलेंस, ब्रिज क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों मिलकर के 2 ओम का रेजिस्टेंस बनाएंगे बच्चों, तब जाके तो बैलेंस होगा भाई। देखो 2 डिवाइडेड बाय 2 1 आ रहा है, यहां पे भी 2 है, तो यहां पर भी टोटल वैल्यू 2 होनी चाहिए, एस की नहीं, टोटल वैल्यू 2 होनी चाहिए, तब जाके ये किस में होगा? बैलेंस में होगा एक तरीके से। तो ये तो हमने बोला कि ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो हमने ये कुछ लिखा, आर इक्विवेलेंट इसका इज इक्वल्स टू एस पैरेलल विद 6, ठीक है। चलिए, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है? 2 है। S तो हमें कैलकुलेट करना है इनटू 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस S, ऐसा ही होगा, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए भाई, ये हो जाएगा 12 प्लस 2S इज इक्वल्स टू व्हाट? 6S। चलो 2S को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 4S। 4S इज इक्वल्स टू 12, इसका मतलब S की वैल्यू कितनी आएगी? 3 ओम आएगी क्या? दैट इज द आंसर, पता चला। देखो सिंपल है, या फिर आप क्या कर सकते थे, ये डिवाइडेड बाय ये करो, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू व्हाट? 2 डिवाइडेड बाय ये कीजिए, ऐसा कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, है ना। पैरेलल में इसको सॉल्व करोगे तो कितना लिखोगे? 6s डिवाइडेड बाय 6 प्लस s। इसको भी सॉल्व करोगे तो वापस यही रामायण आने वाली है बच्चों, ठीक है। हमने तो एक सिंपल सा लॉजिक लगाया कि अगर ये बैलेंस होना चाहिए तो फिर इसकी टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 2 होनी चाहिए थी। मतलब इसको अगर मैं आर इक्विवेलेंट मान लूं इन दोनों को, तो उस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए। ये एक सिंपल सा लॉजिक मैंने लगाया। चलिए, वो वाला क्वेश्चन तो नीट 2007 का आया हुआ है, ये वाला सीबीएसई का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन नहीं है, सीबीएसई का है। देखिए क्या बोल रहा है।
इफ द रेजिस्टेंस आर वन इन द रेजिस्टेंस बॉक्स इज 300 ओम, चलो भाई रेजिस्टेंस बॉक्स के रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 300 ओम, ऑल राइट द ओके, देन द बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड टू बी 75, उस केस के अंदर बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 75 सेंटीमीटर है, चलो ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है जी। फिर क्या बोल रहे हैं, द डायामीटर ऑफ अननोन वायर, अब अननोन वायर की बात कर रहे हैं जो हमें कैलकुलेट करना है, मतलब एस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है और उस एस रेजिस्टेंस वायर की जो डायामीटर है दैट इज 2R वो कितना है 1 mm है, तो फिर R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 mm, मतलब 10^-3 लिख दो क्या, चलिए, एंड द लेंथ ऑफ द अननोन वायर इज 31.4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ अननोन वायर इज 31.4 सेंटीमीटर, ये बैलेंसिंग लेंथ नहीं भैया, बैलेंसिंग लेंथ दर है। चलिए सबसे पहले अभी तो सवाल ही रह गया है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करना है आपको, ठीक। रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास में क्या होना चाहिए, तो हमने बोला R इज इक्वल्स टू रो L डिवाइडेड बाय A होता है, तो इसका मतलब रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R A डिवाइडेड बाय L होगा, इसका मतलब R A की वैल्यू पाई R स्क्वायर सॉरी बच्चों डिवाइडेड बाय व्हाट, L, ऐसा ही होगा। चलो तो मेरे को R चाहिए L चाहिए, R और L दिया हुआ है, इस कैपिटल R की वैल्यू चाहिए, ये कैपिटल R मतलब ये S, ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चलूं तो मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको S लिख देता हूं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे ना, तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, S लिखेंगे, ठीक है। चलिए S का फॉर्मूला आप सभी को पता है, मीटर ब्रिज में क्या होता है 100-L डिवाइडेड बाय L इंटू R, बताओ यही होता है क्या, 100-L कितना हो जाएगा 25, क्या डिवाइडेड बाय L दैट इज 75 इंटू R, R की वैल्यू कितनी है 300, ये आया 3 times, तो फिर ये कितना आ जाएगा भाई, एस की वैल्यू 100 आ गई क्या, आई, चलिए एस की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, पाई की वैल्यू 3.14, चलिए तो कैलकुलेट करते हैं, रो इज इक्वल्स टू एस, एस इज 100, पाई की वैल्यू 3.14, ऑल राइट, आर, आर की वैल्यू कितनी है 0.5 × 0.5 कर देते हैं, 0.5 × 0.5 × 10^-6 कर देता हूँ, ये क्लियर है ना यहाँ तक तो बच्चों, और L की वैल्यू कितनी है 31.4 सेंटीमीटर है बच्चों, तो 31.4 मीटर में कन्वर्ट कीजिए 10^-4, सारी वैल्यू लिख दी, इसका ओम मीटर में आंसर आना चाहिए, यूनिट बता रहा हूँ, तो सॉल्व कर सकते हो मेरे हिसाब से, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 314 को इससे डिवाइड हो तो 10 आएगा कुल मिला करके, ये पूरा हटा दीजिए, ठीक, फिर इसको इससे सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, 10^-4 आ जाएगा, फिर ये 0.25 आएगा, 0.25 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5 आएगा, ये लो मैंने सॉल्व कर दिया, × 10^-4 ओम मीटर, ठीक है, 2.5 इसका आंसर कितना आ रहा है, 2.5 × 10^-4 ओम मीटर, पूरा आंसर ये आएगा, जल्दी से लिखिए, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड पैटर्न में अमूमन पूछा जाता है, तो जल्दी से उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो IIT में आए हुए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन CBSE का है, नीट या IIT का नहीं है, इसके बाद में हम नीट और IIT के क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या बोल रहा है वो, इन अ मीटर ब्रिज नल पॉइंट इज 20 सेंटीमीटर, मतलब अगर मैं एक मीटर ब्रिज बना देता हूं, ऊपर नोन रेजिस्टेंस R है, इधर अननोन रेजिस्टेंस S है, फिर ऐसा ये मीटर ब्रिज वायर हो जाएगा AB, और यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए और बैलेंसिंग लेंथ को L मान लीजिए, और इस बैलेंसिंग लेंथ की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर है भैया। नल पॉइंट का मतलब क्या हो गया, ये यहां पर कोई पॉइंट C है जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है, ठीक है, कब, जब यहां पे R रेजिस्टेंस है और यहां पे S अननोन रेजिस्टेंस है, R नोन रेजिस्टेंस है, ये बात और ध्यान में रखें, अभी तक वैल्यू इसी की भी नहीं पता है लेकिन बाद में पता चल जाएगी शायद। When the known resistance R is shunted by 10 ohm resistance, इस R ohm को अगर शंट कर दिया जाए, ऐसा शंट कर दो किससे, 10 ohm के resistance से,
देन द नल पॉइंट इज फाउंड टू बी शिफ्टेड बाय 10 सेंटीमीटर. अब बोल रहा है कि पहले ये जो 20 सेंटीमीटर पे मिल रहा था, अब ये 10 सेंटीमीटर और शिफ्ट कर जाएगा. शिफ्ट करेगा तो या तो सी पॉइंट आगे की ओर या सी पॉइंट पीछे की ओर. ये बात ध्यान में रखना, अगर ये टोटल वैल्यू मतलब नॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है तो फिर आपका बैलेंसिंग लेंथ भी इंक्रीज होगा, और अगर नॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी तो बैलेंसिंग लेंथ भी डिक्रीज होगी. और अगर आप पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस लगा रहे हो तो बैलेंसिंग लेंथ डिक्रीज होगी. अरे आर की वैल्यू कम होगी ना, आर की वैल्यू कम होगी तो ये सी पॉइंट इस तरफ खिसक जाएगा, 10 सेंटीमीटर इस तरफ आ जाएगा. ध्यान रखना, फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस एक्स. ये लो, ये एक्स है भैया, फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस एक्स आपको कैलकुलेट करना है. ये जो एस मैंने लिखा था वो एक्स है भैया, ठीक है. चलो कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा है. सबसे पहले तो हम इस सिनेरियो की बात करते हैं, इस सिनेरियो में क्या केस बनेगा. इस सिनेरियो में ये केस बनेगा, आर डिवाइडेड बाय एक्स, आर डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 20 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 100 माइनस एल कीजिए 80 लिख दूं क्या. अरे यही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है. चलिए अब इसके बाद में क्या बोल रहा है नेक्स्ट सिनेरियो, इसे 1/4 लिख दूं क्या, इसे 1/4, तो r by x is equals to 1/4. अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि अगर इसे शंट कर दिया जाए, ये लो शंट कर दिया मैंने, किससे, 10 ओम से. ऐसा ही है, 10 ओम से क्या कर दिया जाए, शंट कर दिया जाए, तो बैलेंसिंग लेंथ 10 सेंटीमीटर और इस तरफ आ जाती है. तो ये जो 20 थी अब वो 10 हो जाएगी, इस तरफ और खिसक जाएगा, है ना. तो हमने बोला आफ्टर शंटिंग, आफ्टर शंटिंग क्या होगा भाई, अब ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10R डिवाइडेड बाय 10 प्लस R, यही हुआ. और इसमें किसका डिवाइड लगाएं, X का डिवाइड लगाएं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, अब बैलेंसिंग लेंथ 10 सेंटीमीटर इधर खिसक गई है, ये बात ध्यान में रखना. तो 20 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, 10 ही आएगा क्या, तो ये 100 माइनस L कितना हो जाएगा भैया, 90 हो जाएगा. क्लियर है, चलो ये तो काम बहुत सिंपल हो गया. इससे क्या फायदा हुआ भाई, ये 10 से 10 तो कैंसिल हो गया. R by X की वैल्यू मेरे को पता है कितनी है, 1/4 है, तो हमने ये तो हटाया इस रामायण को, तो R by X की जगह मैं वैल्यू लिख लूंगा, तो ये हो जाएगा 10 प्लस R और R by X की जगह 1/4 लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू यहां पर 90 चल रहा है. चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 90 इज इक्वल्स टू 40 प्लस 4R, इसका मतलब 4R is equals to 90 minus 40, that is 50. It means R is equals to 50/4 ohm. आ गया? अगर R की वैल्यू आ गई तो फिर X की वैल्यू आएगी आएगी. तो X देखिए, R by X is equals to 1/4. It means X is equals to 4R. It means 4 into 50 divided by 4. ये cancel हो गया. कितना यार ये 50 ओम. पता चला? सिंपल था. तो क्वेश्चन को समझिए, इसमें लॉजिक इतना ही था कि ये जो 10 सेंटीमीटर शिफ्ट करना है वो आगे की तरफ करना है या फिर पीछे की तरफ करना है, मतलब बैलेंसिंग लेंथ डिक्रीज करनी है या इंक्रीज करनी है. कैसे पता चलेगा, अगर ये टोटल वैल्यू इंक्रीज होती है तो बैलेंसिंग लेंथ भी इंक्रीज होगी, अगर ये टोटल वैल्यू डिक्रीज होती है तो बैलेंसिंग लेंथ भी डिक्रीज होगी. इस चीज को दिमाग पर रखेंगे, ठीक है. जल्दी से उतारिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. देखिए क्वेश्चन, देखिए ये JE 2007 का क्वेश्चन है. क्या बोल रहा है, अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस वन गैप ऑफ मीटर ब्रिज, द लेंथ ऑफ वायर इज 100 सेंटीमीटर एंड द अननोन रेजिस्टेंस दैट इज ग्रेटर देन 2 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द अनदर गैप. फिर क्या बोल रहा है, व्हेन दीज रेजिस्टेंस आर इंटरचेंज द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट by 20 centimeter, neglecting any correction, मतलब एंड करेक्शन को neglect कर रहा है, the unknown resistance is, चलिए सबसे पहले डायग्राम से काम करना चालू करते हैं. इस क्वेश्चन का डायग्राम इंपॉर्टेंट है भैया. क्या बोल रहा है, अगर आपके पास में एक मीटर ब्रिज है, इस मीटर ब्रिज में ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहां पर एक और रेजिस्टेंस मान लीजिए दैट विल बी एक्स,
एक्स ही मान लो, इसने तो कुछ बोला ही नहीं, तो एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और दिस एक्स इज ग्रेटर देन 2 ओम ऐसा बता रहा है। फिर यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए और गैल्वेनोमीटर के लिए एक बैलेंसिंग लेंथ L1 ले लेते हैं। इस केस में बैलेंसिंग लेंथ L1 ले लेते हैं, ये 100-L1 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब सिनेरियो को वो चेंज कर रहा है, क्या बोल रहा है कि अगर इन रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर दिया जाए, ये उठा करके इधर और ये उठा करके इधर, तो फिर क्या होगा, बैलेंसिंग लेंथ 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगी। अब बच्चों ये बात ध्यान में रखना भाई, इसको उठा करके इधर रखोगे तो ये आर की वैल्यू इंक्रीज हो गई। क्या आर की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो ये जो बैलेंसिंग लेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट केस में जो 20 शिफ्ट हो रहा है, मतलब इस केस में जो 20 शिफ्ट हो रहा है वो L1+20 होगा, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले तो केस वन की बात करते हैं। केस वन में क्या रामायण चल रहा है, तो हमने लिखा केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट के अंदर क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय x करते हैं। 2 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू व्हाट, L1 डिवाइडेड बाय 100-L1। डन हुआ, ये क्लियर है। केस सेकंड समझिए, केस सेकंड में वो इंटरचेंज की बात कर रहा है, इसको उठा करके इधर कर रहा है, तो मैं इसको एक्स इधर लिख देता हूं, केस सेकंड की बात है, और ये 2 ओम इधर चला जाएगा, तो फिर बैलेंसिंग लेंथ 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाती है, तो ये हो जाएगा L1+20। और ये यहां पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहां से ऐसा कर दीजिए, L1+20 इधर भी कर दीजिए, पता चला, क्लियर हुआ ये। चलिए तो केस सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो उस केस में आएगा x/2, है ना, यही आ रहा है, x/2 इज इक्वल्स टू व्हाट, L1+20। ये पता चल रहा है ना भी, हमने प्लस ही क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 2 ओम से ज्यादा है, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो फिर बैलेंसिंग लेंथ भी तो इंक्रीज होगी और ये हो जाएगा 100-L1+20, ठीक है। चलो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद में वैल्यू इंटरचेंज कर लेंगे, मतलब वैल्यू पुट कर लेंगे, पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा L1+20 और इसको अगर हम देखेंगे तो माइनस का L1 और माइनस का 20, 100-20 होता है बच्चों 80, तो ये जगह 80-L1, ठीक है। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट और दैट इज इक्वेशन सेकेंड। यहां से मैं L1 की वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर सकता हूं, कैसे भाई, ये 2/x है, ये x/2 है, दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टे चल रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, मतलब 2/x को मल्टीप्लाई करो x/2 से, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो फिर इसको भी इससे मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब L1/100-L1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा L1+20/80-L1 से, ठीक है। चलिए ये तो 1 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, तो ये हो जाएगा L1 का square + 20L1 डिवाइडेड, मल्टीप्लाई करो भाई, ये तो 8000 आ जाएगा, क्या बात है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो 100L1, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो -80L1, और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएंगे, L1 का square होगा, एंड देट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ इससे, तो जल्दी से काम कीजिए, ये हो जाएगा 8000-180L1 और प्लस का L1 square इज इक्वल्स टू L1 square + 20L। तो L1 के स्क्वायर से L1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसको उधर उठा करके पटका, 180 इधर चला गया, 200 हो जाएगा, तो 8000 इज इक्वल्स टू 200L1, इट मींस L1 इज इक्वल्स टू 40। क्लियर हुआ ये? चलिए जैसे ही L1 आया, x की वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। चलिए कैलकुलेट करते हैं, तो हमने बोला 2 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू L1 की वैल्यू कितनी, 40, 100-L1 कितना हो जाएगा, 60, ये तो कैंसिल हुआ, ये 2 आया, ये 3 हो जाएगा क्या, x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 ओम। ऑप्शन पता चल रहा है, पता चला ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे बच्चों, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है, 3 ओम लगा लीजिएगा, तो सीधी सी बात, वैसे भी ये सारे 2 ओम से ज्यादा ही थे,
थ्री ओम आएगा। डन हुआ ये? डन हुआ? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। डन हुआ? अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक बहुत बढ़िया सवाल है। इस तरीके का क्वेश्चन जो है इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन चूंकि आया हुआ है तो सॉल्व करना बनता है, जेईई में आया हुआ है। देखिए क्या बोल रहा है, अ मीटर ब्रिज इज सेट अप एज शोन इन फिगर, आपको दिखाई दे रहा है, टू डिटरमाइन एन अननोन रेजिस्टेंस एक्स यूजिंग द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, आपको दिखाई दे रहा होगा एक 10 ओम का रेजिस्टेंस दूसरी तरफ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा वैल्यू चेंज हो रहा है, एक्स अननोन पहले लिखा हुआ है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में अननोन है, राइट हैंड साइड में नोन है इस बार। द गैल्वेनोमीटर शोज नल पॉइंट व्हेन टैपिंग की इज एट 52 मार्क, अब इस सिनेरियो के अंदर क्या बोल रहा है, जब हम 52 मार्क के ऊपर पॉइंट करते हैं तो नल डिफ्लेक्शन मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। द एंड करेक्शंस आर 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ये अल्फा और बीटा की वैल्यू है, 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर फॉर द एंड्स ए एंड बी, द डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इज, अब बच्चों एक्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो इस केस के अंदर हमें एंड करेक्शन की वैल्यू दी हुई है, दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर एंड बीटा इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, मैंने आपको फॉर्मूला लिखा रखा है। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो फॉर्मूला जस्टिफाई कीजिए कि आपका सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या बनेगा। तो हम बोलेंगे एक्स में डिवाइड दीजिए किसका बच्चों, 10 का, ऐसा ही है x डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू बैलेंसिंग लेंथ में मान के चल रहा हूं L1, अरे ये कौन है दोस्त, L1 डिवाइडेड बाय 100 माइनस L1, यही है बैलेंसिंग लेंथ की वैल्यू भी दी हुई है, L1 की वैल्यू 52 सेंटीमीटर है, वो अपन रख लेंगे, है ना। जब एंड करेक्शन दिया हुआ होता है तो क्या होता है बच्चों, यहां से ये अल्फा इंक्रीज होता है और यहां से ये बीटा इंक्रीज होता है, ये बात ध्यान रखना, ऊपर अल्फा ऐड होता है और नीचे बीटा ऐड होता है, इतना ही हमें काम करना पड़ता है। चलिए काम करना चालू करते हैं, सारे वैल्यू हमें दी हुई है, एक्स की वैल्यू अननोन है वो कैलकुलेट करेंगे, टेन ऐसा का ऐसा, L1 की वैल्यू कितनी 52 प्लस क्या हो जाएगा अल्फा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 100 माइनस L1 की वैल्यू कितनी है भैया 52 है, और बीटा की वैल्यू कितनी है 2 है, ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 50 रहेगा, चलिए ये 0 से 0 कैंसिल, तो x इज इक्वल्स टू 53 डिवाइडेड बाय 5, ये जाएगा 10.6 सेंटीमीटर, नहीं रेजिस्टेंस है, ओम आएगा, ठीक है 10.6 ओम, बहुत सिंपल है। जब भी एंड करेक्शन आए तो फॉर्मूले में क्या करना है, ऊपर अल्फा ऐड कर दीजिएगा नीचे बीटा ऐड कर दीजिएगा, ये सिंपल सा तरीका है याद रखने का एंड करेक्शन वाले। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, बी ऑप्शन मेरे को दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट है, जल्दी से इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोल रहा है, R1, R2 and R3 are different values of R, आपको सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा है, उस सर्किट डायग्राम के अंदर आपको एक R बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, उस R बॉक्स का जो रेजिस्टेंस है वो R1 भी हो सकता है, R2 भी हो सकता है और R3 भी हो सकता है, ऐसा बोल रहा है वो। A, B and C are the null point, आपको दिखाई दे रहा है, देखो एक वायर दिखाई दे रहा है ना, ये वायर मान लीजिए मीटर ब्रिज का, और इस मीटर ब्रिज के वायर में एक बार वो ए पॉइंट पे नल पॉइंट लेता है, एक बार वो बी पॉइंट पे नल पॉइंट लेता है और एक बार वो सी पॉइंट पे नल पॉइंट लेता है, मतलब ये बैलेंसिंग लेंथ है, एक बार इतनी मिल रही है, एक बार इतनी मिल रही है और एक बार इतनी मिल रही है, ऐसा कुछ। कब, उसके लिए उसने देखो कंडीशन लगा रखी है, ए बी एंड सी आर द नल पॉइंट्स ऑब्टेंड करस्पॉन्डिंग टू R1, R2 एंड R3, मतलब जब यहां पर लगा हुआ जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस जब R1 था तो ए पॉइंट पर नल पॉइंट मिला, मतलब ए पॉइंट पे हमें बैलेंसिंग पॉइंट मिला,
जब रेजिस्टेंस को R2 लिया गया, जब रेजिस्टेंस को R2 लिया गया तो फिर बैलेंसिंग लेंथ B पे मिली, और जब रेजिस्टेंस को R3 लिया गया, रेजिस्टेंस को कितना लिया गया, R3 लिया गया, तो आपको बैलेंसिंग पॉइंट जो है वो C पर मिला, मीटर ब्रिज पे C पर मिला। सोचिए 100 सेंटीमीटर का वायर है ये मीटर ब्रिज का, एक बार बिल्कुल पास में, एक बार बीच में, और एक बार बैलेंसिंग पॉइंट बिल्कुल एंड के पास में मिल रहा है। फॉर विच वैल्यू ऑफ रजिस्टर, मतलब फॉर विच वैल्यू ऑफ रजिस्टर, R1, R2 और R3 की कौन सी वैल्यू के लिए, ठीक है, वैल्यू के लिए, द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी मोस्ट एक्यूरेट एंड वाई, जो आपका अननोन रेजिस्टेंस इधर लगा हुआ है ना एक्स, वो बिल्कुल सही तरीके से कैलकुलेट होगा। और क्यों कैलकुलेट होगा ये पूछ रहा है। चलो क्यों तो जेई के अंदर आएगा नहीं, इसका रीजन नहीं पूछेगा, लेकिन कौन सी वैल्यू के लिए एक्स बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा, तो हम बोलते हैं जब बैलेंसिंग लेंथ बिल्कुल मिड में होती है ना बच्चों, वो वाली वैल्यू में हमारा मीटर ब्रिज जो है वो मोस्ट सेंसिटिव होता है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो जब हम इस R की वैल्यू को कितना चूज करें, R2 चूज करेंगे, तब जाके बैलेंसिंग पॉइंट B पर मिलेगा, मतलब मिड में मिलेगा, मिड में मिलेगा तो फिर वो वैल्यू एक्यूरेट होगी, किसकी, X की वैल्यू हम अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ मिड में मिल रही है, मिड में मिल रही है तो इसका मतलब क्या है, मीटर ब्रिज विल बी मोस्ट सेंसिटिव, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, इट विल वर्क फाइन एंड इट विल बी मोस्ट सेंसिटिव इन दिस सिचुएशन, रीजन भी बता दिया मैंने। चलिए तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, हमने आज बहुत बढ़िया क्वेश्चन के साथ में डील किया है, ये क्वेश्चन ईजी है बच्चों, सिंपल से ट्रिक को यूज करते हैं, मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज इजीली कैलकुलेट हो जाता है ना, उनका रेजिस्टेंस इजीली कैलकुलेट होता है। चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए, आप कमेंट्स करते रहें, आपके लिए 2 क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, प्लीज इनका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में मेरे को चाहिए, जल्दी से सॉल्व करके दे दीजिएगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।